सुधीर जी को अपनी तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत कि आज वो हमारे यहाँ आज निवास स्थान पर आए हैं, और धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को कि उन्होंने मुझे टाइगर एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। टाइगर प्रिजर्वेशन के लिए मैंने पहले भी कई साल काम किया हुआ है, और अब मैं महाराष्ट्र में जितने भी रिजर्व्स हैं उसमें एक एम्बेसडर के रूप में काम करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे समय बीतेगा और जैसे जैसे हमारे कैंपेन्स होते जाएंगे उसके बारे में हम आपको सूचना देते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सी बातें जो हैं वो उससे लोग ज़्यादा परिचित नहीं हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इस अभियान के दौरान बहुत सी ऐसी बातें जिनके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं है, जैसे कि वातावरण के साथ टाइगर को साथ जोड़ना। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि फॉरेस्ट में जब प्रिजर्वेशन होता है तो न केवल टाइगर के लिए अच्छा होता है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। बहुत सी ऐसे गुण हैं जो कि हमारे महाराष्ट्र में हैं और जिनके बारे में शायद इतनी जानकारी ना हो, वो सारी जानकारी हम अपने इस अभियान के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बड़ी हुई नज़र आनी चाहिए, वरना इस अभियान का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सब लगे हुए हैं। और जैसे कि आपने देखा था, हमने NDTV के द्वारा एक अभियान शुरू किया था सेव द टाइगर। उस समय 1144 टाइगर्स थे, अभी 2226 हो गया, उसका ऑलमोस्ट 30% उसमें बढ़ोतरी मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह महाराष्ट्र में भी जो टाइगर्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी है।